श्वेता तिवारी आजकल फिर से चर्चाओं का विषय बन गई। जब से वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में गई हैं दोस्तों, उसके बाद से श्वेता तिवारी की कॉन्ट्रोवर्सी, स्पेशली जो उनके घर की कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, वो सबके सामने आए। यानी कि उनके हस्बैंड मिस्टर अभिनव कोहली ने उन पर आरोप लगाया कि उनके बेटे रियांश को उन्होंने अलग किया है और उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो जो है केपटाउन चली गई हैं। अब दोस्तों ये जो है मैटर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और ये मैटर में काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी हो रही है। लेकिन इन सब के चलते आपको बता दूं तो श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी ने, जो कि एक्चुअल में उनकी पहली शादी यानी कि राजा चौधरी से जब हुई थी, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। एक ऐसा डिसीजन कि माँ की कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं वो परेशान हो गई। मैं राहुल बोस स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूँ तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पलक तिवारी क्या करती है। पलक तिवारी की एक इंस्टाग्राम पेज था दोस्तों @PalakTiwari, और वो भी वेरीफाइड इंस्टाग्राम पेज था। आपको बताना चाहता हूँ कि पलक तिवारी का जो हैंडल था वो @PalakTT था वो, एंड इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज को इरफान खान का बेटा बाबिल, जो कि अभी फिल्मों में डेब्यू करने जा रहा है, वो सुष्मिता सेन की डॉटर रिनी सेन इनको फॉलो करती थी और साथ ही साथ श्वेता तिवारी भी करती थी। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो श्वेता तिवारी की बेटी यानी कि पलक ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है, जहाँ पर उनके 452 लगभग फॉलोअर्स थे और 550 फॉलोइंग थी दोस्तों, और बाबिल और रिनी सेन तक उनको फॉलो कर रहे थे। सो ऐसे में दोस्तों इस तरीके से पलक शायद हो सकता है कि तंग आ गई हो और सोशल मीडिया से अलविदा कहकर वो अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर रही हों या फिर अपनी प्राइवेट लाइफ में थोड़ा सा शांति पा रही हों। बताना चाहता हूँ ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सेलिब्रिटीज़ ने तंग आकर इंस्टाग्राम अकाउंट या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि ट्विटर ले लीजिए, इन सब से अपने आप को दरकिनार कर दिया है। दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है मुझे ज़रूर बताएँ, मुझे इजाज़त दें।